नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय कंबोज और आपका स्वागत है कार क्वेस्ट में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास अभी अवेलेबल है महिंद्रा XUV 700। तो आप में से काफ़ी लोग हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें एक इसका डिटेल्ड वीडियो लेकर आएँ, तो आज हमें मौका मिला इसकी एक वीडियो बनाने का। तो डिटेल में मैं इस गाड़ी को आज कवर करूँगा। स्टार्ट कर लेते हैं कार के वेरिएंट से। जो XUV 700 है आपको टोटल 5 वेरिएंट्स के अंदर अवेलेबल रहेगी। जो सबसे स्टार्टिंग वेरिएंट है वो रहेगा MX, देन आ जाएगा AX3, AX5, AX7 एंड AX7 विद लग्जरी पैक। जो ये AX3 से लेकर AX7 लग्जरी पैक जो है इनको एड्रोनेक्स सीरीज भी बोलते हैं। और जब इसकी कलर्स की आप बात करते हैं, ये जो कलर आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा इसके अंदर लग रहा है, ये मिडनाइट ब्लैक कलर है। इसके अलावा आपको वाइट, सिल्वर एंड रेड कलर्स मिल जाएंगे MX वेरिएंट तक। लेकिन जब आप एड्रोनेक्स सीरीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे एक कलर एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक ब्लू कलर। तो टोटल 5 कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे XUV 700 में। इस गाड़ी को जो फ्रंट से आप देखते हैं, इसके जो लुक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रखे गए हैं। और यहाँ पे एक इस गाड़ी के लॉन्च के साथ महिंद्रा ने अपना न्यू लोगो जो है उसको भी इंट्रोड्यूस यहाँ पे किया है, और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब इस ग्रिल को आप देखते हैं तो यहाँ पे एक कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रिप्स मिल रही है ये सिल्वर फिनिश के साथ दी गई है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये AX7 वेरिएंट है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा नहीं मिलता है, लेकिन जब आप लग्जरी पैक में जाते हैं तो वहाँ पे 360 डिग्री व्यू भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है, वर्टिकल लाइंस ये दी गई हैं यहाँ पे। एंड देन जब इन लाइंस को आप देखते हैं तो ये कंप्लीट इस तरह फ्लो होके ये आपको इन हेडलाइट्स यूनिट में भी दिखाई देंगी। और यहाँ पे LED DRLs दिए गए हैं, ये आपको इस तरह का ये कंप्लीट LED DRLs मिलेगा। और ये सेंटर का जो पार्ट है यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिया गया है। ये कंप्लीट आपको जो सेटअप मिल रहा है यहाँ पे LED सेटअप मिल जाएगा, और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा है। अगेन इसको जो रखा गया है इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड रखा गया है। जब थोड़ा नीचे की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फोग लैंप। अगेन जो फोग लैंप्स भी यहाँ पे मिलेंगे वो भी आपको LED फोग लैंप्स दिए गए हैं। ये बम्पर आपको बॉडी कलर रहेगा, लेकिन कुछ जगह आपको, जैसे जब इस पार्ट को आप देखते हैं तो इस स्ट्रिप को भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश रखा गया है। और जो इसका फ्रंट चिन गार्ड है, इस चिन गार्ड को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे ग्रे फिनिश का यूज़ किया गया है, जो फ्रंट में और रियर में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा इनका साइज़ बड़ा रखा गया है इस फ्रंट ग्रिल का भी, और नीचे की तरफ भी साइज़ काफ़ी अच्छा रखा गया है, जिससे जो एयर सर्कुलेशन है गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा होगा और जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो इससे इम्प्रूव होगी। एंड देन जब इस इंजन हुड को आप देखते हैं तो इस पर आपको ये क्रीजेज़ यहाँ पर मिलेंगी, और इसको यहाँ से बिल्कुल हेडलैम्प के साथ में रखा गया है, तो ये गाड़ी के फ्रंट को एक काफ़ी अच्छी लुक दे देता है। आपको ये जो हेडलैम्प्स मिल जाएंगे ये ऑटो हेडलैम्प्स रहेंगे, वाइपर्स भी आपको रेन सेंसिंग मिल जाएंगे। और साथ में जब ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो वहाँ पे भी एक कैमरा मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको अडास फीचर आप बोल सकते हैं या ऑटोनोमस लेवल आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपको मिलता है। रडार सिस्टम आपको मिल जाएगा, फ्रंट में रडार्स भी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगी। तो ये थे फ्रंट लुक्स XUV 700 के। अब चलते हैं गाड़ी के साइड में और एक बार चेक कर लेते हैं गाड़ी को साइड से। तो जैसे आप जानते हैं कि XUV 700 है एक SUV सेगमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग कार की हाइट भी रखी गई है। 1755 mm आपको हाइट मिल जाएगी, और जो मैंने हाइट आपको बताई वो विद रूफ रेल्स है, रूफ रेल्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेगी। और साथ ही जो गाड़ी की लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है, 4695 mm। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के टायर साइज़ की। जब टायर साइज़ आप यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको 18 इंचेस का अलॉय व्हील मिल जाएगा, ड्यूल टोन फिनिश के साथ है। अगेन इसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी रखी गई है। टायर सेक्शन जो आपको मिलेगा 235/60 टायर सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। एंड देन यहाँ पे आपको ये स्कर्टिंग्स मिल जाएगी जो गाड़ी के ऑल अराउंड आपको यहाँ पे मिल जाती है। जब इन ORVMs को देखते हैं तो बॉडी कलर्ड ORVMs आपको मिलेंगे, LED ब्लिंकर्स, ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रहेंगे और इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल आपको मिलेंगे। इस वेस्ट लाइन पे क्रोम का यूज़ किया गया है, जो कंप्लीट रियर तक आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। हैंडल्स जो रहेंगे, टॉप वेरिएंट के अंदर आपको स्मार्ट हैंडल मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ भी जो हैंडल्स हैं आप इनको जब प्रेस करते हैं तब ये बाहर की तरफ आते हैं, वरना ये अंदर की तरफ चले जाते हैं। एक तरह से आप इनको इनविजिबल हैंडल्स बोल सकते हैं। बी पिलर को भी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश यहाँ पे रखा गया है, सी पिलर भी। और अगेन इन मिरर्स का जब साइज़ आप देखते हैं उस साइज़ को काफ़ी अच्छा रखा गया है, जिसकी वजह से अंदर जो लाइट है वो काफ़ी अच्छे से जाएगी, और जो अंदर स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा और रूमी आपको
फील होने वाला है। आपको जो ब्रेक्स मिल जाएंगी, ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स मिल रही हैं, फ्रंट और रियर आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी। साथ ही जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी यहाँ पे मिलती है, 60 लीटर्स का आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा। तो ये थे साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं गाड़ी के रियर में और एक बार चेक करते हैं गाड़ी को रियर से। तो जब गाड़ी को रियर से आप देखते हैं, जो रियर लुक्स भी हैं गाड़ी के, वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश रखे गए हैं। बिल्कुल टॉप से हम स्टार्ट कर लेते हैं। टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, देन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प, और रियर शील्ड पे आपको वाइपर, वॉशर, डिफोगर, वो सब ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं। एंड देन जब इन टेल लाइट्स को आप देखते हैं, जो टेल लाइट्स आपको मिलेंगी, ये फ्लेक्सिबल LEDs का यहाँ पे यूज़ किया गया है। इंडिकेटर्स भी आपको यहीं पे मिलेगा, और इंडिकेटर्स जो रहेंगे ये फ्लोटिंग इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे। बैक लाइट, वो सब ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए हैं। जब इस पार्ट को आप देखते हैं तो इसको थोड़ा ये देखने में आपको अजीब लगेगा, इस तरह से लगेगा कि ये एक्स्ट्रा एडिशनल यहाँ पे फिटमेंट की हुई है। लोगो ऑल दो काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे जो कैमरा की पोजीशनिंग है वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रखी गई है। और जब रियर बम्पर को आप देखते हैं तो रियर बम्पर में आपको यहाँ पे दो अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। अगेन ये स्किड प्लेट आपको ये ग्रे फिनिश के साथ यहाँ पे दी गई है। उधर की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स वो दोनों तरफ बम्पर्स पे आपको मिल जाएंगे। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो XUV700 का बैज और नीचे की तरफ AX7 का बैज, अगर आप लग्जरी पैक लेते हैं तो AX7L यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था रियर। अब एक बार बूट स्पेस भी चेक कर लेते हैं। बूट जब आप ओपन करते हैं तो इस बटन को काफ़ी अंदर की तरफ दिया गया है, तो आपको ये अंदर की तरफ से प्रेस करते हैं तो फिर उसके बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। और एक आप सभी को पता होगा कि ऑल्दो इसका जो बूट है ये फाइबर का बना हुआ है, तो इसको आप हल्का सा हिलाएंगे तो ये आपको पता लगेगा कि क्या है। अब एक्चुअल में इसकी सेफ्टी कितनी रहती है मेटल के कंपैरिजन में, वो तो कुछ टाइम के बाद ही पता लगेगा। जैसे ये 7 सीटिंग ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या है कि अभी जैसे ये सीट फोल्ड की हुई है हमने, तो ये सीट अभी फोल्डेड है। जब आप इस सीट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ तो बोतल होल्डर्स या कप होल्डर आप बोल सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। AC वेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोनों तरफ, और इनका एडजस्टर नोब भी यहाँ पे मिलेगा। एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है। और अगर इसको भी आप फोल्ड करना चाहें तो यहाँ पे ये हैंडल दिया गया है, आप इस हैंडल से इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप लगेज ज़्यादा रखना चाहें तो लगेज आप रख सकते हैं। जो आपको टूल किट मिलती है वो कंप्लीट टूल किट यहाँ पे रखी गई है, तो उसके बाद स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये था रियर और बूट स्पेस XUV700 का। अब चलते हैं रियर सीट को और चेक करते हैं रियर सीटिंग कंफर्ट। तो इन हैंडल्स को जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो इस तरह से ये बाहर की तरफ आएंगे, फिर आप इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करते हैं जो डोर पैड्स हैं वो आपको कुछ इस तरह के दिखाई देंगे। ये कंप्लीट प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है, ये यहाँ पे आर्टिफिशियल वुडन दी गई है, और ये जो पार्ट है यहाँ पे सॉफ्ट टच आपको ये लेदर फील अपोस्ट्री दे दी गई है। बोतल होल्डर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, स्पीकर यहाँ पे दिया गया है। एक बार सीट्स की क्वालिटी भी आप देख लीजिए, यहाँ पे लेदर फील सीट्स आपको मिल जाएंगी। अगेन इनकी जो फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई है। अब एक बार मैं रियर सीट पे चला जाता हूँ ताकि आपको थर्ड रो में किस तरह का सिटिंग कम्फर्ट मिल रहा है, क्योंकि जब आप 7 सीटर लेते हैं तो सबसे मेन यही आपको रहता है कि किस तरह का कम्फर्ट आपको मिलेगा। तो मुश्किल तो वही रहेंगी आपकी पीछे आने के लिए। जो फ्रंट दोनों सीट्स हैं वो मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिए, ये वाली सीट भी मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिए। उसके बाद जब रियर में आप देखते हैं तो जो रियर सीट के ना आपको दो एडजस्ट एंगल्स मिलते हैं, एक थोड़ा आगे की तरफ रहेगा और दूसरा जो मिलेगा उसमें बिल्कुल ये बैक की तरफ हो जाता है। अभी ये मेरी सेकंड लेवल पे है, तो उसके बाद जो सिटिंग है मेरे लिए यहाँ पे कंफर्टेबल है। आपको यहाँ पे इतना स्पेस मिल जाता है, मतलब मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो इतना स्पेस आपको मिल रहा है। अगर थोड़ा कंफर्टेबली मैं और हो जाऊँ फिर मेरे लिए थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होगी, लेकिन ऑल दो आपको यहाँ पे जो सिटिंग है थर्ड रो की वो ठीक मिल रही है। जब आप सेगमेंट वाइज आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको ठीक मिल रही है। जो थाई स्पोर्ट का प्रॉब्लम है वो हमेशा रहता ही है, यहाँ पे आप थाई स्पोर्ट देख सकते हैं कि आपको मिल ही नहीं रही है यहाँ पे। तो छोटे बच्चों के लिए जो सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल है। यहाँ पे एक जब देखते हैं तो एक सबवूफर भी यहाँ पे ये दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो म्यूज़िक सिस्टम है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीकर्स आपको मिलते हैं, उनकी बात आगे की तरफ ही करेंगे। तो एंट्री एग्जिट में थोड़ा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन जो थर्ड रो का सीटिंग है वो ठीक है इसके हिसाब से। तो अब एक बार सेकंड रो भी हम देख लेते हैं। सेकंड रो में क्या रहेगा कि जो सेकंड रो है इसकी सीट्स जो हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, आप इनको मतलब स्लाइड नहीं कर सकते, लेकिन रिक्लाइन एंगल आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें तो रिक्लाइन एंगल को आप एडजस्ट कर सकते हैं कि जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे तो आप रिक्लाइन एंगल को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सीट्स का जो कंफर्ट है
वो काफ़ी अच्छा है। एक जो मेरे को थोड़ी सी यहाँ पे कमी लगी वो अगर इनका सीट्स का रिक्लाइन एंगल है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ अपराइट इसको कर दिया जाता तो ये जो सिटिंग कम्फर्ट है और ज़्यादा इम्प्रूव यहाँ पर हो सकता था। स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, जो लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है क्योंकि गाड़ी का जो व्हील बेस आपको मिल रहा है 2750 mm यहाँ पे व्हील बेस दिया गया है। दो आपको यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। सेंटर पैसेंजर के लिए आपको एक हेडरेस्ट दिया गया है जो फिक्स्ड है यहाँ पे। सेंटर में एक आर्मरेस्ट भी मिलेगा और टू कप होल्डर्स के साथ ये है, इनको इस तरह से रखा गया है। एक दिक्कत यहाँ पे ये होने वाली है कि अगर आप इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसे बैठते हैं तो ये आपके लिए कम्फर्टेबल नहीं रहेगा यहाँ पे, तो इस तरह से आपका हाथ यहाँ पे जाएगा। तो इसका नाम आर्म रेस्ट है, मतलब आपके आर्म को रेस्ट दे, लेकिन वो फीचर ही यहाँ से निकाल दिया है। आप यहाँ बीच में आपको मतलब एक तरह से सिर्फ बोतल होल्डर का ही ये यूज़ रहेगा इनका। जब यहाँ पे आप देखते हैं थर्ड जो सेंटर पैसेंजर के कंफर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए जो फ्लोर है इसको लो किया गया है, जिसकी वजह से जो कंफर्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। रियर में आपको यहाँ पे एक मोबाइल के लिए आपको स्पेस दे दिया गया है, आप मोबाइल यहाँ रखना चाहें तो मोबाइल आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक सी टाइप फास्ट चार्जर मिलेगा और एसी वेंट्स रियर में दे दिए गए हैं। एक जो आपको फीचर और यहाँ पे मिलता है वो है कि आप यहाँ से इस सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको बोस मोड या सोफर पैकेज जो भी आप बोलना चाहें वो आप इसको बोल सकते हैं। तो ये था रियर सीटिंग कम्फर्ट। अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको गाड़ी की जो की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको इस तरह की यहाँ पे मिलेगी। इस तरफ जब आप देखते हैं तो महिंद्रा न्यू लोगो, ऑल्दो इसको की को इम्प्रूव किया जा सकता था, इधर की तरफ महिंद्रा लोगो, इधर की तरफ लॉक अनलॉक और बूट ओपनिंग के लिए बटन्स मिल जाएंगे। तो आइए आप चलते हैं ड्राइवर सीट पर। तो जैसे ही आप इस डोर को ओपन करते हैं जो इसकी सीट है वो आप देखिएगा, ये जो सीट है ये पीछे की तरफ चली जाती है वेलकम फंक्शन के साथ, ताकि आप अंदर जो एंट्री है वो बिल्कुल आराम से कर सकें और एग्ज़िट आपका आराम से हो सके। तो ये एकदम से पीछे की तरफ चली जाती है। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो जो डोर पैड है आपको वो सेम उसी तरह ड्यूल टोन के साथ मिलता है, मतलब ये आपको आर्टिफिशियल यहाँ पे दे दिया गया है वुडन। और ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल, ये कंप्लीट सॉफ्ट टच, लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा, मिरर्स एडजस्टमेंट और फोल्डिंग आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। जो सीट की एडजस्टमेंट है ये काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि उसको यहाँ पे दे दिया गया है 6-way, आप यहाँ से सीट एडजस्ट कर सकते हैं और 3 आपको यहाँ पे मेमोरी पैक्स भी दे दिए हैं। जब इस तरफ आप देखते हैं तो ये जो आपको नॉब दी है यहाँ पे, ये बेसिकली लंबर स्पोर्ट के लिए, आप इसको रोटेट करेंगे तो लंबर स्पोर्ट जो है सीट का वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक बार सीट्स देख लेते हैं, पहले इन कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये जो कंट्रोल मिल जाएगा ये आपको मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल और नीचे की तरफ हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ पे लाइट एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये जो गाड़ी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, तो आपको यहाँ पे जो ये स्पेस मिलता है ये काफ़ी अच्छा दिया गया है, मतलब जैसे मेरा पैर अभी यहाँ पे कंप्लीट अच्छे से मैं रख पा रहा हूँ। एंड देन जो स्टेयरिंग आपको मिलता है ये टिल्ट, और ये टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ये टिल्ट एडजस्टेबल आपको मिल जाएगा। लेदर रैप्ड स्टेयरिंग यहाँ पे दिया गया है और बिल्कुल सेंटर में महिंद्रा का लोगो काफ़ी अच्छी लुक इसको दे रहा है। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो क्रूज़ के कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, और जब दूसरी तरफ देखते हैं तो इधर की तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एक इस गाड़ी को जो इसके कैबिन को काफ़ी बेहतरीन बना रहा है वो है सामने की तरफ आपको जो ये दो क्लस्टर्स मिल जाते हैं, दोनों ही आपको 10.25 इंचेस के मिलते हैं। मैं एक बार राउंड करता हूँ। सो, जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखते हैं तो इस तरह का आपको ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देगा। 10.25 इंचेस का क्लस्टर मिल रहा है और सेम इतने ही साइज़ का आपको जो मिलेगा म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा। सामने की तरफ आपको हर डिटेल्स यहाँ पर मिलेंगी और इनके जो कंट्रोल्स हैं आपको वो आपको स्टेयरिंग पर मिल जाएंगे। देन अगर आप यहाँ से स्विच करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको ये दिखाई देगा, जैसे वाइपर्स का भी ये शो कर रहा है। और यहाँ से मैं अगर इसको चेंज करता हूँ तो इस तरह का ये फ्यूल कंजप्शन, व्हीकल इंफॉर्मेशन, नेविगेशन, ड्राइवर असिस्ट, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग्स, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी देखना चाहें तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने फ्यूल पे क्लिक किया तो ये फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको सामने की तरफ दिखाएगा। और जैसे ही जब मैं इसको अगर ऑफ़ करता हूँ तो इस तरह से आपको दिखाएगा कि डिस्टेंस, कितना टाइम आपने ट्रैवल किया, क्या रेंज है, वो सब आपको सामने की तरफ शो करेगा। अब बात करते हैं सेंट्रल कंसोल की। तो ये जो पार्ट है इसका ये काफ़ी अच्छा लगता है, ये कम्प्लीट एक ही अटैच्ड ये लगता है और देखने में काफ़ी अच्छा है।
एंड यहाँ पे आपको ये जो म्यूजिक सिस्टम मिलता है 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, लेकिन दूर से ये देखने में कंप्लीट एक डिस्प्ले लगता है क्योंकि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसके अंदर आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, स्मार्ट एयर फिल्टर एंड काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको यहाँ पे नेविगेशन दिया गया है, और साथ में एड्रोनेक्स आपको यहाँ पे मिलता है जिसके अंदर आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे साथ में दे दिया जाएगा। जो नेविगेशन है ये भी आपको यहाँ पे बिल्ट इन मिल जाएगा और एड्रोनेक्स का यहाँ पे बैज भी दिया हुआ है। एंड देन जब उससे थोड़ा नीचे की तरफ आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे, देन उसके नीचे की तरफ आपको ये ऑटो एसी की यूनिट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ड्यूल जोन एसी मिलता है तो यहाँ से आप ड्राइवर साइड का एसी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, यहाँ से को ड्राइवर, बाकी सभी कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इसको आप प्रेस करते हैं तो ये 360 डिग्री जैसे आपको टॉप वेरिएंट के अंदर मिलता है तो वो ऑन हो जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पे रियर व्यू है तो आपको ये रियर व्यू यहाँ पे ऑन हो गया है। एंड देन यहाँ पे आपको हज़ार लाइट और ये सीट बेल्ट इंडिकेशन, ये एयरबैग ऑन ऑफ, वो सब इंडिकेशन आपको यहाँ पे शो करता है। तो जब नीचे की तरफ आप देखते हैं यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट और एक फास्ट चार्जिंग के लिए पोर्ट मिल जाएगा, और ये आपको स्पेस दिया गया है, मोबाइल आप इस तरह रख सकते हैं। और टॉप वेरिएंट में लग्जरी पैक के साथ आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। जैसे ये जो गाड़ी है अभी ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में है, और सेंट्रल कंसोल में आपको ये यहाँ पे एक नोब भी दिखाई देगा, ये बेसिकली एक म्यूज़िक सिस्टम के लिए आपको मिलेगा, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स, आपको एक तरह से मिल जाते हैं। ऑल्दो इसकी जो क्वालिटी है इस नोब की, इसको थोड़ा इम्प्रूव यहाँ पे किया जा सकता था, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आपको यहाँ पे सिल्वर एसेंट्स का यूज़ किया गया है। एंड देन जब यहाँ पे आप देखते हैं तो ये आपको एक कप होल्डर मिलेगा, और ये जो अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये है इन्वॉल्व का परफ्यूम। आपको इन्वॉल्व के अंदर मैं इसका थोड़ा आपको बता देता हूँ, ये जो अभी फ्रेगनेंस है मेरे पास ये बेसिकली कार्बन ब्लैक फ्रेगनेंस है, काफ़ी अच्छी ये फ्रेगनेंस आपको लगेगी। और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के परफ्यूम्स मिलते हैं, एक आपको मिल जाएगा एयर परफ्यूम्स जिसमें आपको बेसिकली एक पेपर मिलता है, आप यहाँ पे हैंग करके स्प्रे करके आप उसका यूज़ कर सकते हैं। एक आपको मिलता है ड्राई परफ्यूम्स जिसके अंदर आपको फाइबर सेंट्स आप उनको बोल सकते हैं, फाइबर मिलता है उसको आप यूज़ करना चाहें तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और एक आपको ये जेल बेस्ड मिलता है, जेल बेस्ड कैन आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे ड्राइव फ्रेश टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, और इनकी जो लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनको परचेज़ कर सकते हैं, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं कारक्वेस्ट, तो आप कोड यूज़ कर लीजिए और आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। देन यहाँ पे सेंटर में आपको ये एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा, आप इसको स्लाइड करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको स्लाइड कर सकते हैं। और जब इसको ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ आपको ये स्टोरेज मिल जाता है, यहाँ पे अलग से कि ये ट्रे टाइप आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आप की रखना चाहें तो की आप रख सकते हैं। स्टोरेज आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, कूलिंग का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, कूल ग्लोबॉक्स ये आपको दे दिया गया है। अब बात करते हैं सामने की तरफ डैशबोर्ड की, तो जब डैशबोर्ड आप देखते हैं तो आपको ये जो पार्ट मिलता है ये प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है, यहाँ पे ये लेदर फिनिश दे दी गई है, और यहाँ पे ये एक तरह से ग्लॉसी ग्रे फिनिश का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे बटन से आप इसको ओपन कर सकते हैं, ग्लोबॉक्स आपको मिल जाएगा विद इल्यूमिनेशन, इसका स्पेस जो है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है, तो स्टोरेज आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। एंड देन जब यहाँ पर आप देखते हैं तो ये जो IRVM आपको मिलेगा ये मैनुअली डे नाइट आपको मिलेगा, और दो गाड़ी के अंदर फीचर्स काफ़ी ज़्यादा आपको मिल रहे हैं, लेकिन इसको भी अगर ऑटो डिमिंग IRVM कर दिया जाता तो ये काफ़ी अच्छा एक फीचर यहाँ पे एड ऑन हो जाता। तो यहाँ पे आपको ये गॉगल्स होल्डर मिल जाएगा, आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं लाइट ऑन ऑफ के लिए, ये कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एंड देन यहाँ पे जो आपको मिलता है ये बेसिकली आपकी फेवरेट चीज़ जो है ये सनरूफ, इसके आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, और इसकी जो ओपनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर आप गाड़ी को कहीं लेकर आप जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए तो काफ़ी आप इन्जॉय करने वाले हैं। तो दोस्तों ये था इंटीरियर्स महिंद्रा XUV700 AX7 वेरियंट का। अब बात करते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर, इंजन स्पेसिफिकेशन और प्राइस के बारे में, तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ PP ऑटोमोटिव करनाल हरियाणा के शोरूम में। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने लिए कोई भी महिंद्रा की कार परचेज़ करने की तो सामने स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपने लिए बेस्ट डील और डिटेल्स ले सकते हैं। बात करते हैं XUV700 के सेफ्टी फीचर्स की, तो आपको 6 एयरबैग्स इस वेरिएंट के अंदर मिल रहे हैं, ABS ब्रेक्स विद EBD, ESP फंक्शनैलिटी आपको मिल रही है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और रिवर्स कैमरा मिल रहा है, और साथ में इस वेरिएंट के अंदर भी आपको अडास फीचर्स मिल रहे हैं,
एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम आपको मिल रहा है। टॉप वेरिएंट में आपको नी एयर बैग एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 360 व्यू आपको वहाँ पे मिलेगा, तो इस तरह के सेफ्टी फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाएंगे। अब बात करते हैं इंजन की, तो आपको XUV700 पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के साथ अवेलेबल रहेगी। पेट्रोल के अंदर जो आपको इंजन मिलेगा 2.0 लीटर्स का TGDI इंजन मिलता है, जो पावर जनरेट करता है 200 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 380 न्यूटन मीटर्स का। ये आपको 6-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल हो जाएगा। देन आपको जो सेकेंड डीजल इंजन यहाँ पर मिलता है वो है MHawk 2.2 लीटर्स का इंजन। जब आप जाते हैं MX सीरीज़ के अंदर तो वहाँ पर जो पावर रहेगी 155 PS की पावर आपको मिलेगी, और जो टॉर्क मिलेगा 360 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा, और जो ट्रांसमिशन मिलेगा 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। और जब आप चले जाते हैं AX सीरीज़ के अंदर तो वहाँ पे जो पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, 185 PS की पावर मिलेगी। और जब आप मैनुअल परचेज करते हैं तो मैनुअल में आपको जो टॉर्क मिलता है 420 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा, और ऑटोमेटिक के अंदर जो टॉर्क मिलता है 450 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा। यहाँ पे आपको 6-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएंगे। जब इंजन की टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए तो वहाँ पे एक्स्ट्रा आपको ड्राइव मोड्स भी मिल जाएंगे, तो आपको 4 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जीप, जैप, जूम एंड कस्टम। तो अपने अकॉर्डिंग आप इनका यूजेस कर सकते हैं। वारंटी यहाँ पे जो आपको मिल रही है 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिल रही है। अब बात करते हैं सबसे मेन इस कार के प्राइसिंग की। तो इनिशियली जब इस गाड़ी के जो प्राइजेज हैं वो बताए गए थे तब ये स्टार्टिंग होती थी 11.99 लैक्स, लेकिन जो रिस्पॉन्स है गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा था, बुकिंग्स काफ़ी ज़्यादा हुई। आपने सुना भी होगा कि 57 मिनट्स के अंदर 25,000 बुकिंग्स इस गाड़ी को मिली हैं, और 3 आवर्स का जब आप देखते हैं 3 घंटे के अंदर 50,000 बुकिंग्स इस गाड़ी की हुई हैं। तो इन सब को देखते हुए इसकी डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हो गई, तो महिंद्रा ने इसके जो प्राइजेज हैं वो इंक्रीज़ कर दिए 50,000 से। तो अब इसका जो स्टार्टिंग प्राइस रहेगा 12.49 लाख से ये स्टार्ट हो जाएगी। जो सभी प्राइजेज हैं वो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। स्टार्ट कर लेते हैं पेट्रोल से। तो पेट्रोल के अंदर आप जब लोअर सबसे बेसिक वेरिएंट MX कंसीडर करते हैं उसका जो प्राइस रहेगा 12.49 लाख, और जो बेस वेरिएंट है वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आपको मिलेगा। जब आप जाते हैं AX3 पे तो वहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन का जो प्राइस रहेगा 14,49,000, ऑटोमेटिक जो रहेगा 15,59,000। AX5 जो है मैनुअल ट्रांसमिशन 15.49 लाख और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 17,09,000। AX7 जो रहेगा 17,99,000 और ऑटोमेटिक जो रहेगा 19,59,000। जब आप जाते हैं टॉप वेरिएंट पे लग्जरी पैक में आप चले जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहेगा, जिसका जो प्राइस आपको रहेगा 21,29,000। अब बात कर लेते हैं डीजल इंजन की। तो डीजल इंजन जब आप कंसीडर करते हैं लोअर वेरिएंट में तो उसका जो प्राइस रहेगा 12,99,000, और जो लोअर वेरिएंट है वो सिर्फ मैनुअल के साथ अवेलेबल रहेगा। जब आप चले जाते हैं AX3 पे तो मैनुअल ट्रांसमिशन का प्राइस रहेगा 14,99,000, ऑटोमेटिक का प्राइस रहेगा 16,69,000। और जब आप जाते हैं AX5 वेरिएंट पे मैनुअल का जो प्राइस रहेगा 16,09,000 और ऑटोमेटिक का प्राइस रहेगा 17,69,000। AX7 ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं अगर इसको आप डीजल मैनुअल में कंसीडर करते हैं 18,59,000, ऑटोमेटिक में कंसीडर करते हैं 20,19,000, और आपको ये फोर व्हील ड्राइव के साथ भी अवेलेबल है अगर आप वो कंसीडर करते हैं 21,49,000। और जब आप चले जाते हैं टॉप वेरिएंट लग्जरी पैक पे तो वहाँ पे आपको जो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो प्राइस रहेगा 20,29,000 और ऑटोमेटिक का जो प्राइस रहेगा 21,89,000, और जब आप जाते हैं फोर व्हील ड्राइव पे तो उसका प्राइस हो जाएगा 22,99,000। तो दोस्तों ये सभी प्राइजेज जो मैंने आपको बताएं ये दिल्ली एक्सशोरूम प्राइजेज हैं, रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट और सिटी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो महिंद्रा XUV700 का। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।